देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है उत्तराखंड देहरादून, उसके द्वारा यहाँ पर द्विवर्षीय डीएलएड, दो डीएलएड कैंडिडेट है द्विवर्ष का, और प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों का जो है राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधित सूचना, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाल चुकी हैं, काउंसलिंग करवाने हैं। इसके संदर्भ में एक अपडेट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है काउंसलिंग जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी जो काउंसलिंग कराने के पश्चात जनपद आवंटन किए गए, और जनपद आवंटन के पश्चात जो है डाइट में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों को जो है प्रतीक्षा सूची से भरने हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग 16 जनवरी 2024 एवं 18 जनवरी 2024 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड देहरादून जो देहरादून है इसके सभागार में जिस यहाँ पर निर्धारित कर रखा है। तो 16 और 18 दो तारीख हैं, एक तो 16 को, एक 18 को, जो भी यहाँ पर पद छूट गए हैं इनके, उनको भरा जाना है और उसके लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी, ऐसा बताया गया है। अंतिम अवसर प्रदान करते हुए यह भी जो है निर्देशित किया गया है कि यदि उक्त तिथि को निर्धारित काउंसलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, तो जो अभ्यर्थी नहीं आएगा अपने आप निरस्त हो जाएगा बताया गया है। और चयनित अभ्यर्थी की जो है काउंसलिंग हेतु जो है आपको दिशा निर्देश एससीईआरटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है इसकी लिस्ट मिल जाएगी, या स्कूल एजुकेशन साइट पर वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो अपना अपना नाम देख लेना, कितनी कट ऑफ ही क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको लिस्ट में किस किसका नाम रखा वो आपको देखने को मिल जाएगा। 16 18 को आपको जो है डीएलएड की काउंसलिंग करानी है, जो कि वेटिंग लिस्ट से निकाली गई है।